जनपद संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के लगी गोली, एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल। जिले की टॉप 10 सूची में शामिल है गिरफ्तार किया गया शातिर बदमाश। एडिशनल SP आलोक कुमार जायसवाल घटनास्थल पर पहुंचे, मौके से एक तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार बदमाश पर दर्ज है एक दर्जन मुकदमे। एक फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। असमौली थाना इलाके के असमौली मढ़न रूट का मामला। सर, जिस तरह से यहाँ इनकाउंटर किया गया है, क्या मामला था, कितने आरोपी थे और क्या पाया गया? ये आज जो है SO असमौली मढ़न रोड पे गश्त कर रहे थे, इनको दो आदमी मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखे। इनको रोकने का जब प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पर फायर किया। पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, इसमें एक बदमाश को गोली लगी। बदमाशों के फायरिंग से हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ है। जो है बदमाशों की जब जानकारी करी गई, जो है ये इसमें से जो बदमाश घायल हुआ है वो वकील सनाफ शरीफ फुकंदी सराय नखासा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये मुख्य रूप से गोकसी के अपराधों में लिप्त रहा, शातिर अपराधी रहा। जिले में चिन्हित टॉप 10 का अपराधी भी है ये, जिसको अभी अस्पताल भेजा गया, बाकी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।